टूटी फूटी बातें सही मगर इतनी जरूर हैं कि कहानी के सिरे आपस में जुड़ सके। मैंने तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस का कोई अफसर लगता है। ओ अपने नाल जना ना पता दस दे नहीं तो मारा जाऊंगा। औरत सब कुछ बुलवा सकती है। पाकिस्तान जिंदा। मकबूल हुसैन शहीद हो गया। मधु, अगर किसी तरह भोलेनाथ की कृपा से ये मकबूल हुसैन बोल पड़े तो बिलीव मी मैं ब्रिगेडियर बन सकता हूँ। टाइम लगेगा खन्ना, मुझ पर विश्वास रखो। मुझे पूरी आशा है कि वो जरूर बोलेगा, अवश्य बोलेगा। वैसे भी तुम्हारा अप्सराओं से हुसन तो बड़े बड़ों को बोलने पे मजबूर कर सकता। Excuse me. देखो मकबूल हुसैन, मैं यहां ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिप्रेजेंटेटिव हूं और ये जानना चाहती हूं कि ये लोग तुम्हारे साथ जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक सुलूक कर भी रहे हैं या नहीं। ओह आई एम सॉरी। आखिर POWs के भी कुछ अधिकार होते हैं। आप क्या जानती हैं POWs के हकूक के बारे में? वेरी गुड, तुम तो पढ़े लिखे भी हो। जी। ऑफिसर थे पाकिस्तानी फौज में? सिपाही। ओह, तो क्या आम सिपाही भी वहां इतना पढ़ा लिखा होता है क्या? बोलो। मैं हूं। लेकिन लेकिन मकबूल हुसैन तुम तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर हैं या? तफ्तीशी ऑफिसर। खैर छोड़ो इन बातों को, मैंने तुम्हारे लिए खास तुम्हारे लिए भोजन मंगवाया है, मेरा मतलब है खाना मंगवाया है। प्लीज प्लीज, जब तक खाने में रेत ना हो अलग से नहीं उतरता। क्यों? इतनी आदत हो गई उस खाने। मैं जाऊं? हाँ तुम जा सकते हो। Interesting man, very interesting.
राहुल, राहुल, हे राहुल, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल किधर है? उसको बोलो कि टूल बॉक्स लेकर आए और इसको फिक्स करे। ये देखो, जानती हो ना कि टूटी हुई चीजें जीवन के लिए अपशगुन होती, वैसे ही जीवन में शांति का एक पल नहीं है। हाँ हाँ, और मेरे जीवन में तो जैसे बहुत शांति है। शांति मन में होती है मधु, ऊपर वाले मेरी प्रमोशन होने नहीं देते, घर ऑफिस परिवार सब जगह भूकंप चल रहा है। ये लो। ये क्या? कटर है और क्या है? अरे तो कटर है तो मैं क्या करूं? राहुल को बुलाओ कि इसको फिक्स करे। राहुल छुट्टी पर गया है, दिवाली की छुट्टी पर, खुद भी कोई काम कर लिया करो। और नहीं तो क्या, ये चेयर ही फिक्स कर लो। लिसन मधु, आई एम कर्नल इन इंडियन आर्मी, आई एम नॉट अ कारपेंटर, एंड बाय द वे दिस इज कॉल्ड कटर। ये काटता है, फिक्स नहीं करता। तो तेरा वादा देख लिया, ओ बन तो जदू असा वतन तू दूर होए, चिता सिंह तेनु याद करे, ओ तेनु याद करे। हाय हाय मकबूल हुसैन, ओए मैं ते गुलूकार बनना चाहुंदा सी, पर बापू आख्या ओ चीता सिंह फौज च भर्ती हो जा, ते हो गए। की आख्या? ओए ना ते सड़ा चीता सिंह आ, पर हैं आपा बब्बर शेर दी नसल बिचू। की आख्या? इत्थे हिंदुस्तान च एक गल आ, सरदारां ते शेरां दी कदर कोई ना, इधर ते हिंदू लूमड़ी दी सरदारी चलू। वैसे आपस दी गल ले, और तुसी चंगे रह गए, अपना वखरा देश बनाया, नहीं ते अपना सरदारा ला हाल ही होना सी तुहाड़ा भी। की आख्या? चीता सिंह ये क्या खुसर पुसर कर रहा तू इसके संग? और राम लाल, और मैं किसे दिन गोली मार देनी तैनू, लख बारी तेन आख्या जे मैनू जनानिया की तरह ताने ना मार, और ना करया कर शक। की आख्या? और मैं तो ये गलबात कर रहा सी, हुण चीता सिंह किसे नाल गलबात भी ना करू। भगवान की सौगंध, तू तो ऐसे ही इतनी जल्दी गर्म हो जाता है, मैं तो मजाक कर रहा था। खोल दरवाजा इसका, मैडम ने घर बुलाया है इसे आज। की आख्या? ओ शंकर, ओ गल सुनो, ओ चीता सिंह इत्थे ड्यूटी करन डिया, ते तुसी भी इत्थे ड्यूटी कर, ओ जा को टुकर शुकर खाओ, ओ चाशा पियो, ते लै के आओ मेरे वास्ते भी चाशा, ओ जाओ जाओ मजे करो। की आख्या?
नसीरा बेटा, सारी जिंदगी तो इस तरह नहीं गुजारी जा सकती। बस मुझसे ये बात मत कर अम्मा, मकबूल हुसैन मेरे लिए मरा नहीं है, आइंदा मुझसे शादी की बात मत करना। मैं तो भूलेगी हो चुकी, और उसी के रहकर मरूंगी। मैं तुझे कैसे समझूं बेटियां कभी भी मां बाप पे बोझ नहीं होती, पर वो अपने घर में सुखी हो तब मां बाप खुश होते हैं बेटा, मां बाप खुश। कुछ याद आया है ना? क्या क्या याद आया? खैर, पाकिस्तान, महबूबा, या फिर कुछ फौजी दोस्त, क्या याद आया बोलो ना। नहीं, कुछ भी नहीं याद आया। मकबूल हुसैन, इतनी मुलाकातें हो गई हमारी तुम्हारी, लेकिन अभी तक तुमने हम पर विश्वास नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, कितना समय लेते हो किसी को अपना समझने में? तुम लोगों का त्योहार है, ईद है आज,
आज मकबूल हुसैन आज ईद है। हाँ आज ईद है मकबूल हुसैन, तुम आराम से बैठो बैठो। इसीलिए मैंने ऊपर वालों से खास परमिशन लेकर सोचा कि आज इस दिन पर तुम्हें क्या तोहफा दूं। देखो मैंने तुम्हारे लिए सेवइयां बनाई हैं, तुम आराम से बैठकर खाओ। आज ईद है और नसीरा पहना दूं। अब तू आंखें बंद। क्यों? अपनी बार बेईमानी मत कर, आंखें बंद कर। खोल लूं? अभी नहीं। अब तो खोल लूं आंखें? सबर कर भूले। रुक जाओ मकबूल हुसैन, आखिर क्यों तुम्हारी इस ईद पर मैं तुम्हें खुश कर देना चाहती हूँ मकबूल हुसैन। और तुम मुझे यूं ठुकरा कर जा रहे हो, क्यों? मैं मुसलमान हूं मैडम, मैं 100 साल तक तो 4 फुट की कोठरी में रह सकता हूं, मगर मैं आपको छू भी नहीं सकता, इसलिए कि आप मेरे लिए नामहरम हैं और दूसरा आप मेरे दुश्मन की औरत है। हम पाकिस्तानी फौजी दुश्मन की औरत की भी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं।
Madhu, any good news about Maqbool Hussain? Any breakthrough? काफी विश्वास आने लगा है उसको मुझ पर. अपने परिवार के बारे में भी बताया है उसने. और किसी और सैनिक के बारे में या अपने किसी साथी के बारे में कोई खबर? आई होप आज की मुलाकात में जरूर बता देगा. आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर. आज की मुलाकात बहुत खास है. आज की मुलाकात जरूर कुछ ना कुछ बता देगा. मधु, मगर ये आप क्या कर रही हैं? मुझ पर भरोसा नहीं करते हो ना? सिर्फ इस बार करके देखो, इसमें तुम्हारा फायदा है. इस मदद से इनकार मत करना, इससे तो तुम्हारा मजहब तुम्हारी फौज भी तुम्हें नहीं रोकती होगी. बात याद रखना, आज रात को सेल का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए. मकबूल हुसैन, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी कि तुम अपने विचारों के तहत औरत का कितना एहतराम करते हो. मैं तो दुश्मन की औरत हूं, फिर भी तुमने मुझे इतना कुछ दिया. याद रखो मकबूल हुसैन, औरत उस मर्द की बहुत कदर करती है जो उसका एहतराम करता. और तुमने पहली बार मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक औरत हूं, खिलौना नहीं हूं जिसे सिर्फ खेला जा सके. तुमने मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि मुझसे सिर्फ खेला नहीं जा सकता, कोई और रिश्ता भी बनाया जा सकता है. एहतराम का रिश्ता, रिस्पेक्ट. मेरा मजहब मुझे यही सिखाता है कि दुश्मन की औरत की भी इज्जत करो. इस्लाम हमें यही दर्द देता है. मकबूल हुसैन, मुझे तुम्हारे पर गर्व है कि तुमने मुझे इतना मान सम्मान दिया. मुझे गर्व है तुम्हारे. चीता सिंह, तुम जानते हो ना कि मकबूल हुसैन की मदद तुम्हें कैसे करनी है? जी. मकबूल हुसैन की मदद एहतियात से करना. तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कर्नल खन्ना से कह के तुम्हारी प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी. मैडम जी, जीता सिंह नूं तरक्की नहीं चाहिए, आपां नूं ते बस तुहाडा विश्वास चाहिए कि ते नाले मैडम जी आपां एक काम बड़ी जिम्मेदारी नाल करूं. की आख्या मकबूल हुसैन? आज रात 11 बजे
ठीक 11 बजे। बरसात में तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तुम बरसात में तक दिना दिन, दिना दिन तक दिना दिन, ओ पटे चक दे फटे। क्या बात है तेरी चीता सिंह, आज तो तू बिल्कुल चीते जैसी हरकतें कर रहा है, मजे करवा दिए तूने। ओ ना ते सड़ा चीता सिंह या पर है आपा बब्बर शेर दी नस्ल बिचू की आख्या, ओ तू ते सरदारा नू पहचाने ही नहीं कदी। पहचाना है चीता सिंह, मसले और तुम गद्दार होते हो धरती माता के। कमल तुम ठीक हो, ज्यादातर सरदार गद्दार हैं, भारत माता के साथ सिंसियर नहीं है। और रामलाल ऐसी सरदार तो आने हिंदुओं अपनी जान करके तली ते भी रख दे ना, और तुसी फिर भी एहो ही कहना कि आख्या। नहीं नहीं चीता सिंह, तुम तो देश भक्त हो, धरती माता के वफादार हो, हिंदुओं के वफादार हो चीता सिंह सजना। क्यों अजय? इसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया, ये तो लुढ़क गया है। ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਦਿਨਾ ਦਿਨ ਦਿਨਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨਾ ਦਿਨ दिना दिन तक दिना दिन। मकबूल हुसैन, मकबूल हुसैन, मकबूल हुसैन, इस पहाड़ी के पीछे रेल गड्डी लंघदी आ, सवेर होण तू पहला पहला चाहे तू निकल जा, जा। चीता सिंह शुक्रिया, तू तो तू वाकई बब्बर शेर की नजर में से है। यार मकबूल हुसैन, हसन अब्दाल पंजा साहब जाके साड़ी हाजरी लुआ दे गुरु जी नू। चीता सिंह, मेरी वजह से तुझे को परेशानी तो नहीं होगी? मकबूल हुसैन, चीता सिंह ने तेनू अपना यार मान लिया, ते यारां दी खातर जे जान भी चली गई ना ते घाटे दा सौदा नहीं,
किया क्या? ओए तेरे देश की ठंडियां हवावां तेरा इंतजार पिया कर दिया ने। जा चला जा, चला जा यार। कर्नल खन्ना। यस माय स्वीटर वाइफ। कल रात 9 बजे शुक्रवार को मकबूल हुसैन सब कुछ बताएगा, उसने वादा किया है। बस आज रात ही की तो बात है। चलो अब तुम आराम से सो जाओ। थैंक यू। से रिश्ता है।